विशेषा देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सेप्शन मेथड। वह विधि जिसके द्वारा वह विधि जब समाकलन अवकलन के सहायता से किया जाता है, जब समाकलन अवकलन के सहायता से किया जाता है तब उस विधि को निरीक्षण विधि कहते हैं। आप लोग हिंदी बुक में या आपको प्रॉब्लम है निरीक्षण विधि से इंटीग्रेशन फाइंड करें, इंग्लिश बुक में नहीं है, समझे ना? तो वह आपको हिंदी बुक में जो रहेगा फर्स्ट आपका इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज में निरीक्षण विधि इंसेप्शन विधि उसको मैसेज कर दीजिएगा जिसके पास हिंदी बुक है, समझे ना? आप देखिए ये हमें एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन लाए एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन। अब जैसे आप सिंपल हल करते उसी प्रकार हल करना है। डी एक्स का डिवीजन में है, राइट साइड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट इंटू इंटीग्रेट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं। इंटीग्रल का साइन इस प्रकार से साइन होता है इंटीग्रल का, डी एक्स टू पावर एन एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। यहाँ वन बाई डी और डी कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू पावर एन एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, इसलिए एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन बाई एन। आपको कहेगा एक्स टू पावर फाइव इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना। ये क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रल ऑफ एक्स टू पावर फाइव विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, मतलब एक्स टू पावर फाइव का समाकलन किसके रेस्पेक्ट करना है, डी एक्स के रेस्पेक्ट। आपको एक्स टू पावर फाइव का इंटीग्रेशन आपको एक्स के रेस्पेक्ट करना है। तो देखिए अभी आपको क्या लाए इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स का एक्स टू पावर एन बाई एन, जितना पावर है उसमें वन एडिंग कर दिया गया, एन माइनस वन में वन एडिंग कीजिए एन बचेगा, ना पावर दीजिए और उसी से डिवाइड किया गया। उसी प्रकार यहाँ एक्स टू पावर फाइव है इसमें वन का एडिंग कीजिए एक्स टू पावर सिक्स, फाइव में वन जोड़ दिए सिक्स आया पावर दिए उसी से डिवाइड कर दिए। एक्स टू पावर कहेगा माइनस हंड्रेड इसका कीजिए इंटीग्रेशन, तो आपको माइनस हंड्रेड में वन का एडिंग करें कितना आ जाएगा एडिंग माइनस नाइन्टी नाइन, माइनस नाइन्टी नाइन से आपको यही आपका हो गया माइनस माइनस नाइन्टी नाइन एक्स टू पावर आपका नाइन्टी नाइन प्लस सी, यही आपका इंटीग्रेशन हुआ। वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको बना लेने के बाद लास्ट में आपको सी एडिंग किया जाता है या सी का सब्ट्रैक्शन किया जाता है, जहां सी क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट है और इसके मेंशन को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। कॉस का कॉस के एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर वो जो सी से शुरू होता है उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव माइनस के कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, और आपका एक्स का कोएफिशिएंट क्या है के, के से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इसी को आपको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट पहले इसे प्रूव करें, लेट एफ एक्स इक्वल टू किसका डेरिवेटिव फाइंड करना, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना एफ एक्स का, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस कॉस के एक्स, इसी में जहां जाए आपका एक्स है एक्स प्लस एच रखें, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कॉस के एक्स प्लस एच, यही आपका हो गया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच कॉस के एक्स प्लस के एच।
अब फिर लिखिए फार्मूला बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से एफ डैश एक्स लिखे या डी बाय डी एक्स एफ एक्स डैश का अर्थ होता है डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इतना बराबर फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स बाई एच रखिए एफ एक्स का वैल्यू जहां जहां एफ एक्स है कॉस के एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कॉस के एक्स प्लस के एच माइनस कॉस के एक्स बाई एच फॉर्म क्या हो गया ऐसा इसका इंडिटर्मिनेट फॉर्म फॉर्म जीरो बाई जीरो का फॉर्म है एच का वैल्यू जीरो तो कॉस के एक्स माइनस कॉस के एक्स जीरो आ जाएगा एच का वैल्यू जीरो जीरो बाई जीरो का फॉर्म इस फॉर्म का आपको हटाना है। आप फार्मूला आप बताइए माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस के एक्स पॉजिटिव और कॉस के एक्स प्लस के एच निगेटिव। अब आपको कॉस के अथी के एक्स को सी मानिए और के एक्स प्लस के एच को डी मानिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होगा प्लस के एक्स टू के एक्स प्लस के एच बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू डी हो गया के एक्स प्लस के एच डी हो गया के एक्स प्लस के एच डी माइनस सी तो के एक्स प्लस के एच माइनस के एक्स के एक्स कैंसिल हो गया या लिख दीजिए क्लियर लिखना है तो के एक्स प्लस के एच डी हो गया सी लिखिए के एक्स बाई टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू बाई एच साइन के एक्स कैंसिल करें साइन के एच बाई टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा ये फॉर्मूला हम लिखा पीडीएफ में तो लिख दिए वन लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा इक्वल टू वन लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन लिखे हैं माइनस लिमिट। अब देखिए अभी फार्मूला लिखे थे लिमिट एच लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स को एक्सपेंड कर दिए थे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच एक्स उस प्रकार इसको भी एक्सपेंड करेंगे। देखिए माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन टू के एक्स प्लस के एच बाई टू इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन के एच बाई टू। अब देख रहे हैं माइनस टू बाई एच तो माइनस लिख दिया था टू बाई एच यहाँ लिख देता है एच बाई टू टू लड़कों पर चला जाएगा टू बाई एच हो जाएगा। अब यही फार्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा मतलब जितना एंगल रहेगा उससे डिवाइड रहेगा तब वैल्यू वन आवेगा। यहाँ एंगल क्या है के एच बाई टू है लेकिन यहाँ एच बाई टू है तो के से क्या करते हैं डिवाइड कर दिए तो के से मल्टीप्लाई कर दिए तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा वन। अब इसी में जहाँ जहाँ एच है जीरो पुट कीजिए एच का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो लिमिट नहीं दिखेंगे टू के एक्स बाई एच का वैल्यू जीरो बाई टू इसका वैल्यू वन आइए के यही हो गया के साइन के एक्स यही आपका निकल गया डी बाई डी एक्स एफ एक्स।
एफ एक्स का वैल्यू कॉस के एक्स, ये उतारे बुआ कॉस के एक्स, इसको हल करते चल गए, हल करते चल गए तो क्या आ गया माइनस के साइन, यही फॉर्मूला था। अब इसी से आगे हर एक क्वेश्चन से प्रूव्ड होगा कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। कॉस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकला माइनस साइन के एक्स, कैसे मल्टीप्लाई किए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस के एक्स, कैसे डिवाइड हो जाएगा बोलेंगे फिर। अब देखिए अब हम कॉस का इसका अब इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, कॉस के एक्स का डिफरेंशिएशन आया, इसी के मदद से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो देखिए किसका इंटीग्रेशन आ गया कॉस के एक्स के साइन के एक्स, डीएक्स का डिवीजन में है राइट साइड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इंटीग्रेट इन बोथ साइड, डी कॉस के एक्स माइनस के या टोटल सेट कीजिए माइनस के साइन के एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल और डी कैंसिल हो गया कॉस के एक्स माइनस के इंटीग्रल ऑफ साइन के एक्स इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ साइन के एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई के कॉस के एक्स। अभी कुछ प्रूफ कर देते हैं उसका जैसे पीडीएफ में दिए हैं जरा कलेक्ट कर देंगे, क्या लिए होगा माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, डिफरेंशिएशन में एक्स कोफिशिएंट से गुना होगा तो इंटीग्रेशन में एक्स कोफिशिएंट से आपका डिवीजन आपको डिवाइड किया गया, गुना का उल्टा क्या होता है विलोम भाग, इस हर एक फॉर्मूला से आपको प्रूव हो जाएगा डिफरेंशिएशन का इनवर्स आपका।